अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हकीम जी हेल्थ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो नब्ज की लंबाई बढ़ाने का एक ऐसा बेहतरीन और शानदार तिला बताने जा रहा हूँ जो आपने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा। दोस्तों, ये जो तिला आज मैं आपको बताऊँगा ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये तिला जो है मैंने खुद बनाया है और मैंने इसे खुद तैयार किया है। दोस्तों, ये एक ऐसा तिला है जिसकी मालिश से आप अपने नफ्स के अंदर आई हुई कमज़ोरी, जैसे कि नफ्स का टेढ़ापन, नफ्स के जो है नसें जो हैं ढीली पड़ गई हैं, जिसके कारण जो है नफ्स झुक गया है, ढीला पड़ गया है, नफ्स में जान नहीं रही है, नफ्स के अंदर जो है तनाव नहीं बन पाता है, औरत को देखने के बाद, औरत के पास जाने के बाद भी जो है तनाव नहीं बन पाता है, खड़ा नहीं हो पाता है, और नफ्स का साइज छोटा है। दोस्तों, ये उसमें भी बहुत मदद करेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इस तेल से इतने शानदार इसके फ़ायदे बताऊंगा। दोस्तों, इस तेल का इस्तेमाल से आप अपने नफ्स की लंबाई को भी बढ़ा सकते हैं और साथ ही मोटाई को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये तेल जिन जिन चीज़ों में तैयार हुआ है वे इतनी शानदार और इतनी ज़बरदस्त जड़ी बूटियाँ हैं जो इसके अंदर डाली गई हैं। दोस्तों, ये तेल अगर आप चाहते हो तो आप इसे जो है अपने पास भी मंगवा सकते हो, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि ये आपको आपके एड्रेस पर मिल जाए तो भी ये आपको आपके एड्रेस पर मिल जाएगा, क्योंकि इसे बनाना इतना आसान नहीं है। इसके अंदर जो जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं वह आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगी, देसी दवाई के स्टोर पर भी बहुत कमी से मिलेंगी, क्योंकि ये 4-5 जड़ी बूटी से तेल तैयार हुआ है। इस तेल को लगाने के बाद आपके नफ्स में आई कैसी भी कमज़ोरी, वो पटकों की हो या नफ्स टेढ़ा हो गया है, नफ्स में जान नहीं है, नफ्स छोटा है, नफ्स जो है तनाव नहीं बन पाता है, कमज़ोरी किसी भी तरह की मर्दाना कमज़ोरी अगर नफ्स के अंदर आई है उसे बिल्कुल ख़त्म कर देगा दोस्तों, और साथ ही नफ्स की लंबाई को बढ़ा देगा। कुछ हजरात के मैसेज थे कि हकीम साहब कोई ऐसा तिला बताओ जिससे नफ्स का साइज़ जो है बढ़ जाए, तो दोस्तों आज मैंने उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाई है। कुछ हजरात ऐसे हैं कि चाहते हैं कि सस्ते में उनका जो है अच्छी चीज़ मिल जाए उन्हें। दोस्तों, ये अगर आप तैयार करोगे तो ये तकरीबन आपको जो जितना तेल मैंने तैयार किया है आपको इतना तेल जो है तकरीबन 200-250 रुपये में तैयार होगा। ये तेल आप देख रहे होंगे, ये तेल जो है ये इतना शानदार तेल है कि अगर आपने इसकी लगातार 1 महीने तक इसकी मालिश कर ली तो आपके नफ्स के अंदर की सारी कमज़ोरी को बाहर खींच लेगा और नसों को जो है टाइट करेगा और नफ्स की जो ग्रो है ग्रो को बढ़ाएगा, लंबाई आपकी आसानी से जो है बढ़ जाएगी। इस तेल में दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त ये तेल है। इसकी मालिश करने का तरीका भी अक्सर बताता हूँ आपको, इसकी मालिश जो करनी है इस तरह से करनी है। आपको जो है आगे का हिस्सा आप समझ गए हैं क्या है, इस हिस्से को छोड़ देना है और सारों में इसकी मालिश करनी है। लगातार आपको 5 मिनट तक इसकी मालिश करनी है। नीचे की नस जो होती है आपको इस नस को छोड़ देना है और सारों में इसकी अच्छी तरह से मालिश करनी है। इसकी मालिश करने से आपके नफ्स की कमज़ोरी को एकदम जो है खींच लेगा और नफ्स जो है एकदम लंबा होने लगेगा, मोटा होने लगेगा। दोस्तों, ये मेरी पूरी गारंटी, क्योंकि इस तिले को बनाने में बहुत टाइम लगा है, बहुत जड़ी बूटी जो जिसकी ज़रूरत थी बड़ी मुश्किलों से जड़ी बूटियाँ मिली हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसकी इन्ग्रीडियंट्स बता देता हूँ इसकी जड़ी बूटियाँ क्या है। दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर जो डाला गया है सबसे पहला है रोगन ए बिलावा जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त जड़ी बूटी है। ये अक्सर जो है बहुत ही आयुर्वेदिक औषधियों में दवाइयों में काम आती है। इसका जो पेड़ होता है, इसका जो पौधा होता है वे बिहार, बंगाल, उड़ीसा या आसाम की तरफ पाया जाता है, जिसमें जो बिलावा जो होता है ये एक तरह का फल होता है। इसके अंदर से जो है तेल निकाला जाता है। तेल किस तरह से निकाला जाता है, इसके अंदर देसी घी में मिलाकर इसका तेल निकाला जाता है और तभी ये तेल तैयार होता है। इसका नाम रोगन ए बिलावा है। ये तेल भी इसके अंदर डाला जाता है। और दूसरा इसके अंदर रोगन ए जमाल घोटा है। रोगन ए जमाल घोटा जो होता है गंजापन में, स्तंभन दोष में, कब्ज में, बहुत ही चीज़ों में काम आता है। ये उत्तर प्रदेश पूर्व पश्चिम राज्यों में पाया जाता है। ये भी एक तरह का फल होता है जिसके अंदर से बीज निकलता है। बीज के अंदर से जो है तेल को निकाला जाता है और जब उसका जाकर उसका रोगन ए जमाल घोटा बनता है। दोस्तों, तीसरी चीज़ क्या है इसके अंदर तीसरी चीज़ है रोगन ए दारचीनी। आप जानते होंगे दारचीनी जो आती है, आपने देखा होगा दारचीनी अक्सर जो है गरम मसालों में आती है, गरम मसालों में इस्तेमाल आती है दारचीनी।
दालचीनी को आप जो है कई तरह की जड़ी बूटियों में इस्तेमाल की जाती है, तेल में तैयार की जाती है। इसका जो हो जड़ी बूटियों का जो इसका जो दालचीनी का जो पेड़ होता है, उस पेड़ में से जो जो इसकी शाखाएं होती है, उस शाखाएं में से ये तेल निकाला जाता है, जिसे रोगन दालचीनी भी कहा जाता है। ये तेल भी इसके अंदर डाला गया है। चौथी चीज़, इसके अंदर रोगन लौंग डाली गई है। रोगन लौंग का तेल, यानी कि आपको ये भी जो है तेल लौंग का आता है, ये भी आप ला सकते हो। रोगन लौंग इसके अंदर डाला जाता है। इसके फ़ायदे जो होते हैं, ये नसों का ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। और पांचवी चीज़, इसके अंदर इतनी ज़बरदस्त चीज़ डाली गई है जो आपको बहुत मुश्किल मिल पाएगी। अगर आपको ये मिल जाएगी तो आपकी जो है पूरा तेल तैयार है, अगर आपकी चीज़ मिल जाएगी। ये होती है रोगन माही। रोगन माही क्या होता है? रोगन माही एक रेतीली मछली होती है। ये रेत में पाई जाती है, रेतीली मछली होती है। आप देख रहे हो डिस्प्ले में, मैंने दिखाया है, रेतीली मछली होती है। इसका तेल निकाला जाता है, और ये तेल जो है हर किसी को नहीं मिलता है। वो भी तेल मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। ये जो है नस की लंबाई को खींचता है, नसों को जो है खींचता है, और जो है ग्रो को बढ़ाता है। इससे जो है आपके नस के अंदर काफ़ी लंबा खिंचाव आएगा, मोटापन भी पैदा करेगा। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त ये तेल है। और इसके अंदर जो है छठी चीज़ जो डाली गई है, रोगन मोम है। रोगन मोम भी एक बादाम का तेल होता है, यानी कि छः रोगन तेल से ये बनाया गया है। बहुत ही शानदार तिला है दोस्तों। अगर आप भी ये चीज़ छः चीज़ से इसे बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और तो मुझे नहीं लगता कि आप इस तेल को बना पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर की जड़ी बूटियाँ जो हैं आसानी से नहीं मिल पाएंगी। ये मैंने अपना ख़ास नुस्खा आपके सामने शेयर किया है। इसे जो है कुछ लोग जो हैं तेल चाहते हैं मंगाना, तो वह भी जो है मिल जाएगा आपको। अगर आप चाहते हो कि आपके एड्रेस पर तेल पहुँचा, आप चाहते हो कि आपको ये मिल जाए, तो ऐसा भी हो जाएगा। आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मुझे मैसेज करें, मैं आपका जवाब दूंगा। और साथ ही आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। आप अपने एड्रेस पर अगर इस तेल को मंगाना चाहते हैं दोस्तों, ज़्यादा खर्चा नहीं है, 300-400 रुपये के लगभग तो आपको ये तेल आएगा। क्योंकि मार्केट में इससे भी महंगे महंगे तेल आते हैं जो ज़्यादा असर नहीं करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल देसी प्योर जड़ी बूटियों का बना हुआ तेल है। ये ज़रूर इंशाल्लाह काम करेगा, मेरी गारंटी है। आप इसे इस्तेमाल करें, अगर आप इसे बना लें तो बेहतर है, वरना आप मुझे कॉन्टेक्ट करें। मैं आपको जो है कुरियर के थ्रू या आप पोस्ट के थ्रू आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि आप जो हो कमेंट में अपना नंबर मुझे बिल्कुल मत दीजिए, बल्कि मैं आपको अपना नंबर जो है दे रहा हूँ वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट में नंबर दोगे तो आपको जो है कोई और बंदा भी कॉल कर सकता है और आपके साथ फ्रॉड गर्दी भी कर सकता है दोस्तों। मैं इसलिए आपको बता दूँ पहले ही कि मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, इसलिए आप मुझ पर डायरेक्ट कॉल करें। इंशाल्लाह मैं आपको जो है इस चीज़ को प्रोवाइड कराऊँगा, और जो है व्यक्ति जो भी परेशान हैं उन्हें बताइए। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये तिला है। इस तेल को अगर आपने एक महीने इस्तेमाल कर लिया, मेरी गारंटी है इस तेल को आपने अगर इस्तेमाल कर लिया तो आपके नफ्स में किसी भी कमज़ोरी को दूर हो जाएगी, नफ्स जो है लंबा होगा। बहुत ही शानदार तेल है। बाकी मुझे बता दीजिए कि अगर आप जैसा भी चाहते हो ठीक है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, आपकी समझ आई है, मैंने क्लियर आपके सामने सब चीज़ खोल कर बता दी है। अगर आपको फिर भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अक्सर ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, हेल्थ से जुड़ी, नुस्खों से जुड़ी, और मर्दाना कोई भी प्रॉब्लम हो उससे जुड़ी मैं ऐसी ही वीडियो लाता हूँ। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, अलविदा, जय हिंद।